कैसे पता करे कि आप किसी लड़की को पसंद हो या फिर नहीं हो? जी हाँ, देखिए होता क्या है, एक रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वैसे ही फ्रेंडशिप में भी अटैचमेंट बढ़ती ही चली जाती है, मगर ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती ही रहती है कि यार इसे मैं प्रपोज करूँ, यार मैं इसे इम्प्रेस करूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये भी मुझे पसंद करती है, यार वो जो वूमन है ना, वो जो दूर से मुझे देख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। तो ये बात हम कैसे पता करें कि वाकई में वो आपको पसंद करती है या फिर नहीं करती है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। छोटी सी बात है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या वो लड़की आप में हद से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है? अगर हाँ तो मतलब कि वो आपको पसंद करती है। एक लड़की जब किसी लड़की को पसंद करने लग जाती है ना, तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा ओपनली और बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होकर के बात करना पसंद करती है। अब वो चाहे एक वुमन क्यों ना हो, अगर वो आपको पसंद करती है ना, तो उसको आपसे बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वो हमेशा आपसे ओपनली बात करना चाहेगी, हमेशा आपके साथ फ्रैंक रहकर बैठना, उठना, बात करना पसंद करेगी। बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक, बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस वाली बातें, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के पीछे पागल होना कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, या फिर अपने बारे में बताना कि मेरे को तो इस टाइप के लड़के पसंद है जो इस तरीके से बोलते हैं, जो उस तरीके से बोलते हैं, लाइक कुछ ऐसा। अगर लड़की अपने स्वभाव आपको दिखाने लग जाए, वो आपके सामने एकदम खुले हुए विचार के साथ ही साथ आपके साथ अपना अटैचमेंट बढ़ाने लग जाए, तो इसका मतलब वो लड़की भी आपको पसंद करती है। एक लड़की जल्दी किसी के साथ फ्रैंक नहीं होती है। अगर वो अपने फ्रेंड के साथ भी फ्रैंक होती है तो उससे वो ओपनली बात नहीं कर पाती। अगर वो ओपनली बात करती है तो उतने ज़्यादा क्लोजनेस नहीं दिखाती है। अगर उतना ज़्यादा वो क्लोजनेस दिखाती है तो अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होता है। अगर अटैचमेंट ज़्यादा होता है तो बहुत सारी दिखी बातें दिखने को मिल जाती है। मगर आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि ये चारों साइन उसके अंदर देखे जा रहे हैं, तो मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं आपको पसंद करती है। ना पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। पहला साइन मैंने आपको क्लियर किया, बात करता हूँ दूसरे साइन के बारे में। सबसे बड़ा साइन माना जाता है, अगर आपको किसी लड़की में कंफ्यूजन है या फिर किसी वूमन में कंफ्यूजन है कि ये मुझे पसंद करती है, तो उसके बिहेवियर को नोटिस करिए। ये बात आप पकड़ सकते हो कि हाँ ये मुझे पसंद करती है या फिर नहीं करती। देखिए जब हम अपने किसी से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो उसको लेकर के मन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा केयर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर लड़की के इस बिहेवियर को नोटिस करना है कि वो औरों के साथ तो बहुत अजीब तरीके से बात करती है, बहुत ही अलग तरीके से बात करती है, मगर जब ये मेरे से बात करती है तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट टोन में बात करती है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होकर बात करती है। ऐसा कुछ नहीं बोलती है जिस बात को सुनने के बाद मुझे हर्ट हो जाए। उसका मूड चाहे कैसा भी हो, मगर वो मुझे देखते ही इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं ऑटोमेटिकली उसे देखकर खुश हो जाता हूं। तो अगर आपने उसके ये बिहेवियर को नोटिस किया कि औरों को लेकर के इसका नेचर अलग है, मगर इसको मेरे को लेकर के इसका नेचर सबसे ज्यादा अलग है, तो भाई मेरे ये साइन कॉमन नहीं है, ये साइन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी में छोटी सी बात समझाऊं मैं आपको, अगर उस लड़की से आपकी बातचीत होती है ना, तो हमेशा वो लड़की आपको विश करती है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, अच्छी बातें कहना। आपको हमेशा नोटिस करना कि यार आपका मूड खराब है क्या, आज आप पहले के तरीके से बात नहीं कर रहे हो, आज आप पहले जैसे नहीं दिख रहे हो। ये सब चीज़ अगर लड़की आप में नोटिस करने लग जाए तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ते ही चले जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने आपका तीन साइन क्लियर किया, मगर अभी तीसरा साइन खत्म नहीं हुआ है। छोटा सा पॉइंट इसमें और मैं आपको समझाता हूँ। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़की के बिहेवियर को पहले तो आप नोटिस करिए। हालांकि तीनों साइन मैंने बिहेवियर के ऊपर ही बताया आपको, मगर यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस किसी और को देते हो तो क्या उस लड़की के चेहरे का हाव भाव चेंज हो जाता है। जी हाँ, एक लड़की कभी अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती है। हो सकता है ऐसा दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा हो तो अपना लंच शेयर कर ले, मगर अपना बॉयफ्रेंड या
फिर अपना प्यार नहीं शेयर कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज नोटिस करना है कि अगर आप उसको छोड़कर किसी और लड़की को इंपॉर्टेंस देते हो, किसी और लड़की से बात करते हो या फिर उसके सामने बात करने का नौटंकी करते हो फोन पर बहुत ही ज्यादा हंस हंस कर, तो उस लड़की का बिहेवियर चेंज होने लग जाए, वो जेलस फील करने लग जाए, उसे बुरा लगे कि तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, वो मुंह फुला करके बैठ जाए, वो अच्छी तरीके से आपसे बात ना करे, मुंह फुला कर आपसे बात करे। अगर आप आओ उस रास्ते से तो वो रास्ता चेंज कर ले, जिस ब्रांच पर आप बैठोगे वो उस ब्रांच से वो उठ जाएगी, जिस घर में आप जाओगे वो उस घर से साइड ओवर किसी और रूम में चली जाए। तो मतलब कि भाई फुल टू आप में वो इंटरेस्टेड है, जी हाँ वो आपको पसंद भी करती है। यहाँ पर कहीं भी ये सवाल नहीं उठता कि वो आपको नापसंद करती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपके चार साइन क्लियर किए, हालांकि आप तीन साइन कह सकते हो कोई बात नहीं, मगर हाँ एक चीज जरूर करनी है आपको कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से मदद नहीं मिली हो और किसी पर्सनल टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। बस इस वीडियो पे एक लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों बस छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है प्लीज।